सर हेवी फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट डज द ग्राफ से? स्टॉक्स आर गोइंग अप, स्टॉक्स आर गोइंग डाउन. Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 3 अक्टूबर 2019 थर्सडे है. सुबह के 8:18 हो रहे हैं. जैसे कि आज थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स का, तो काफी वोलेटाइल मूव हो सकता है. कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, तो हमें काफी उस दिन भी काफी जबरदस्त मूवमेंट निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकता है. तो जो फ्रेशर्स है वो अवॉइड करे दो दिन ट्रेड करना, कैसे मूवमेंट आता है उसको एनालाइज करे, एक्सपीरियंस करे इस मूव को, और फिर मंडे से एक न्यू वीक के साथ ट्रेडिंग की शुरुआत करें. तो आज सिर्फ कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे निफ्टी के लिए. ग्लोबल सिनेरियो देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन काफ़ी बढ़ा हुआ है. ग्लोबल ग्रोथ के बारे में काफ़ी चिंताएं दिखाई दे रही है. तो ग्लोबल वीकनेस के कारण इंडियन मार्केट्स में भी अभी फिलहाल प्रेशर देखने को मिल रहा है. ट्यूजडे को हमने देखा था कि एक फॉल आया था, लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशंस के आर्स बचे थे उसमें एक शार्प फॉल आया था. तो ये सब प्रेशर दिखाई दे रहा है. ग्लोबल जो वरीज है, ग्लोबल जियो पॉलिटिकल टेंशंस है, उसके वजह से इंडिया में भी उसका असर देखने को मिल रहा है. तो अभी सबसे पहले ट्यूजडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है ट्यूजडे का, यानी 1 अक्टूबर आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. और एक नोट है, ये जो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो उसके बाद में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि जैसे ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन मोबाइल के ऊपर आपके आ जाएगा और आप मार्केट आज के पहले ये वीडियो देख पाएंगे. तो ट्यूसडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,491 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,458. तो जैसे कि आप देख रहे हैं 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है. शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना क्योंकि निफ्टी इंडेक्स हमारा जो फर्स्ट टारगेट था इसके ऊपर ही ओपन हो गया, और जैसे ही ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल जैसे यहाँ पर ब्रेक होता है तो फर्स्ट टारगेट 11,431 ये अचीव्ड हुआ और सेकंड टारगेट 11,407 ये भी अचीव्ड हुआ. एग्जैक्ट इसी के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया और बाउंस बैक दिखाया, और ये जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था ये भी ब्रेक किया और ऊपर फर्स्ट टारगेट 11,512 और सेकेंड टारगेट 11,524 ये भी अचीव किया. एग्जैक्ट इसी लेवल के पास फिर से इसने रेजिस्टेंस फेस किया. काफी एक्यूरेट ये लेवल साबित हुए. एक रोलर कोस्टर राइड जैसा निफ्टी का मूव था ट्यूसडे का, और नीचे आते वक्त इसने फिर से ब्रेकडाउन लेवल और ब्रेकआउट लेवल के पास एग्जैक्ट यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस किया और टूवर्ड साउथ की तरफ एक जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिला. तो ट्यूसडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग, हमारे इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 65 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 48,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो यह था ट्यूसडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. यूएस मार्केट में दो दिन से काफी गिरावट देखने को मिल रही है. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स 494 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुआ. नासडैक भी देखे तो 123 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है. यूरोपियन बाजार में भी कुछ फिलहाल सेम हाल है, लाल निशान में बंद हुए कल. और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्केई जापानीज इंडेक्स 477 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है. चाइना मार्केट बंद है, छुट्टी है वहां पर, और हांगकांग मार्केट 174 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी फिलहाल थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है, 62 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. और एसजीएक्स निफ्टी हल्की सी गिरावट के साथ यहाँ पर इस समय ट्रेड कर रहा है. तो ओला ग्लोबल मार्केट से थोड़े वीक संकेत आ रहे हैं. जल्दी निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर, फिर डेली और फिर 60 मिनट का चार्ट को एनालिसिस करेंगे. यह वीकली चार्ट, अभी दो दिन हो चुके हैं इस वीक को. आप देख सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल कितने यहाँ पर जबरदस्त काम कर रहा है. ऊपर 61.8% के ऊपर ये क्लोज नहीं हो पा रहा, एग्जैक्ट इसने यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस लिया है इस वीक भी. और नीचे जैसे ये मूव हो रहा है तो इसने 11,370 को कल ब्रेक कर दिया था यानी ट्यूसडे को, और नीचे ये 20 ईएमए को टच करके यानी 20 ईएमए फिर से एक बार यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है. 20 ईएमए वीकली चार्ट में 11,292 के पास है, और 50 ईएमए ये जो ब्लू लाइन है ये 11,195 के पास है. राउंड फिगर कर देते 11,300 के पास 20 ईएमए और 50 ईएमए 11,200 के पास.
तो ये 20 EMA अगर ब्रेक होता है कंफर्टेबली तो नीचे है इसका 50 EMA का फिर से एक बार सपोर्ट टेस्ट करते हुए निफ्टी इंडेक्स हमें दिखाई दे सकता है। अगर ये दोनों मूविंग एवरेजेस अगर ब्रेक होते हैं तो हमें निफ्टी में फिर से एक बार प्रेशर यहाँ से देखने को मिल सकता है। अभी सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, जो सेकेंड क्वार्टर था उसमें ये जो टैक्स रिफॉर्म्स है इसका रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अभी ये जो थर्ड क्वार्टर है यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जो 3 महीने इसके बाद जो थर्ड क्वार्टर के जो रिजल्ट आएंगे जनवरी 2020 में, तभी हमें एक्चुअल फिगर्स पता चलेंगे कि ये टैक्स रिफॉर्म जो हुआ है, कुछ गवर्नमेंट ने चेंजेस लाए, उसका असर क्या होता है। तो अभी फिलहाल दशहरा है, दिवाली है, फेस्टिवल सीजन है, तो पॉजिटिव होप के साथ अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर एक सपोर्ट टेस्ट करके फिर से निफ्टी बाउंस बैक होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन लेवल के नीचे 11,200 के नीचे अगर ये चला जाता है तो फिर से निफ्टी में हमें जबरदस्त प्रेशर देखने को मिल सकता है। ऊपर अगर इसे कंटिन्यू रखना है अपसाइड रैली, तो इसे फर्स्ट 11,543 के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। ये टेक्निकल लेवल्स है, अगर इन टेक्निकल लेवल्स को ये ब्रेक करता है या ब्रेक डाउन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तभी हम आने वाले ट्रेंड के बारे में यहाँ पर कन्फर्म हो सकते हैं। तो ये वीकली चार्ट का सीनारियो, चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्ट्रक्चर जो है, जो अपसाइड मूवमेंट के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए वो अभी भी यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मूविंग एवरेजेस को देखें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म, ये काफी अभी क्लब्ड है एक दूसरे के अंदर। तो यहाँ पर ट्रैफिक बना हुआ है और ये जो अभी हम यहाँ पर एक अपसाइड मूव के बाद ये एक फॉल देख रहे हैं, वो भी स्टीप फॉल नहीं है, एक कंसोलिडेट होके ये ट्यूसडे को इसने जबरदस्त फॉल दिखाया। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो मूविंग एवरेजेस का क्लस्टर यहाँ पर एक बन रहा है, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन सकता है, यानी अराउंड 11,250 से लेकर 200 तक एक सपोर्टिंग जोन है। अगर 200 के नीचे, इन तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे चला जाता है तो फिर से निफ्टी में एक बार हमें प्रेशर दिखाई दे सकता है। फिलहाल अभी यहाँ पर जो हमने मंडे और ट्यूसडे को एनालिसिस किया था कि यहाँ पर डबल टॉप फॉर्मेशन बन रहा है, तो इसने अभी इस नेकलाइन का ब्रेकआउट दे दिया है और इसके नीचे आके ये क्लोज हुआ है। तो यहाँ से अगर और टूवर्ड साउथ की तरफ मूव अगर यहाँ से हमें देखने को मिलता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 11,200 के पास होगा। तो यहाँ पर सपोर्ट की उम्मीद की जा सकती है, यह सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो और पैनिक मूव हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यह है निफ्टी का डेली और वीकली चार्ट का एनालिसिस। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, वीकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ट्यूसडे को जो लास्ट आर बचा था तभी इसने एक हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन किया था। हैमर कैंडलस्टिक जब भी आता है तभी एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी है, ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ से एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है जब भी हैमर जैसा कैंडलस्टिक फॉर्म होता है। तो अगर यहाँ से अगर ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ भी बढ़ता है तो ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ये अभी मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है, काफी डिफिकल्ट है इस वक्त मार्केट को ट्रेड करना, तो ये सिर्फ कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए। अगर ये 11,387 के ऊपर अगर सस्टेन करता है पिवट पॉइंट के लेवल के ऊपर, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,413। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा क्योंकि यहाँ पर इसके कुछ दो दिन पहले यहाँ पर इसने एक सपोर्ट टेस्ट किया था, इस लेवल को पेनेट्रेट करके इसके ऊपर ये क्लोज हो रहा था और अभी 50 EMA भी एग्जैक्ट उसी लेवल के पास आ रहा है। तो 11,413 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 20 EMA के जस्ट नीचे, यानी 11,440 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ निफ्टी अगर मूव करता है तो ये जो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक बना है इसका लो अगर ब्रेक करता है 11,335 अगर ये ब्रेक करता है तो ही हम यहाँ पर इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,308 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा ये जो 100 EMA है यानी 11,289 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।